नमस्कार दोस्तों, बजट से रिलेटेड अपनी तीसरे पोर्शन में, तीसरी पार्ट में मैं आपके साथ में हाउस प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड जो अमेंडमेंट प्रपोज किया है सरकार ने, उस पर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि सरकार ने अब ये व्यवस्था कर दी कि एनुअल वैल्यू ऑफ टू प्रॉपर्टीज कैन बी क्लेम टू बी निल। इसका मतलब क्या है सर, आप जरा इसको समझने का कोशिश करिए। मान लीजिए मेरे पास में दो मकान है और उसमें से एक मकान में मैं रहता हूं और एक मकान खाली पड़ा है। तो अब तक लॉ क्या कह रहा था कि जिस मकान में मैं रहता हूं वो मकान की तो कोई रेंटल वैल्यू नहीं आएगी, और जिस मकान में मैं रहता नहीं हूं, खाली पड़ा है, उस मकान की नोशनल रेंटल वैल्यू, या तो मैं उसे किराए पे दे दूं, और अगर मैं उसे किराए पे नहीं देता तो उसकी नोशनल रेंटल वैल्यू का टैक्सेशन किया जाएगा। ये लॉ में कॉन्सेप्ट था। अब इन्होंने ये बोला कि अगर आपका दो मकान तक है, या मान लीजिए मेरे दो से ज्यादा मकान है, तो मैं दो मकान की भी एनुअल वैल्यू निल क्लेम कर सकता हूं। तो इससे क्या फायदा होगा एसएससी को कि एक मकान जिसमें वो रह रहा है और एक मकान जो खाली पड़ा है, उस खाली पड़े मकान की वैल्यू के ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी अब नहीं आएगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए मेरे तीन मकान है, एक में मैं रह रहा हूं, दो मकान खाली पड़े हैं, तो एक मकान की एनुअल वैल्यू निल क्योंकि रह रहा हूं, और बाकी के दो मकान जिनमें मैं रह नहीं रहा उनकी रेंटल वैल्यू को, उनमें से एक को अब सरकार ने छोड़ दिया, यानी तीसरा मकान जिसकी रेंटल वैल्यू निकाली जा सकती है उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी एसएससी को नोशनली देनी पड़ेगी। तो पहले सर, पहले के सिनारियो तीन में से एक मकान एग्जम्प्ट होता था, दो पर देना पड़ता था टैक्स, और नए सिनारियो में दो मकान तक वैल्यू निल ली जा सकती है, और तीसरा मकान अगर खाली भी पड़ा है तो टैक्स लायबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। अब ऐसा समझिए कि मान लीजिए मेरे तीन मकान है और तीन में से एक मकान में मैं रह रहा हूं और दो मकान मैंने किराए पर दे रखे हैं जिनका किराया मेरे बैंक खाते में आ रहा है, तो सर क्या मुझे अब दूसरे मकान की वैल्यू निल क्लेम करने के लिए मिलेगी क्या? आंसर इज नो, क्योंकि मैं किराया ले रहा हूं। तो सर ये दूसरे मकान की वैल्यू निल तभी होगी जब आपने उसे किराए पर नहीं दे रखा है। जब आपने उसे किराए पर दे रखा है तो सर आपको उसके किराए की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी देनी है। अब एक बात और, अब तक ये व्यवस्था चलती थी सर कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट का क्लेम 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, यदि नए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है या खरीदने से संबंधित है। तो अब सरकार ने एक और तो कहा कि सर हम आपके दो मकान की एनुअल वैल्यू निल मानेंगे, दूसरी ओर सरकार ने सेक्शन 24 में पैक लगा दिया कि आपके दो मकान जिसमें से एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक मान लेते हैं खाली पड़ा है, तो दोनों के इंटरेस्ट की थ्रेशोल्ड लिमिट 2 लाख रुपए कर दी। आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्लेम करने के लिए नहीं मिलेगा, जबकि सर रेंटेड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट क्लेम करने की कोई लिमिट नहीं है, वहां पर आप 2 लाख रुपए से ऊपर का इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सर एक और ये व्यवस्था लगती है कि रेंटेड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट क्लेम करने की कोई सीमा नहीं है, परंतु दूसरी ओर सरकार ने पिछले साल ही अमेंडमेंट करके ये कह दिया था कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में यदि नेगेटिव आय आ रही है नेट में, तो आप किसी और हेड से 2 लाख रुपए से ज्यादा का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो सर वो लिमिट ऑलरेडी ही इतनी कम सरकार ने कर रखी है कि बेसिकली लोगों को एक जो बेनिफिट पहले मिलता था वो ऑलरेडी डिप्राइव्ड ऑफ हो चुके हैं। परंतु खैर सर, मैं अमेंडमेंट पर सीमित करूंगा अपने डिस्कशन को, और ये कहना चाहूंगा कि एक मकान की एनुअल वैल्यू निल होती थी, दूसरे मकान की एनुअल वैल्यू निल करने का सरकार ने बेनिफिट आपको और दे दिया है। तो इट्स ओनली फॉर दोज जिनके पास में दो मकान है, बहुत से लोगों के पास एक मकान के भी लाले हैं, तो दे मे नॉट बी एबल टू अवेल एनी बेनिफिट देयर ऑफ। सो ओके सर, थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग दिस थर्ड पार्ट। आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आई विल ट्राई टू सॉर्ट देम आउट। थैंक यू वेरी मच।